रामपुर में ब्लैक फंगस के 3 संभावित मरीज मिले। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना करते हुए ना जाने कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कोरोना का कहर अभी जारी है। इस दर्द को लोग सह ही रहे थे कि आफत के रूप में ब्लैक फंगस नाम की बला भी लोगों को डराने लगी है। जनपद रामपुर में ब्लैक फंगस के 3 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर आ चुका है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर में और शहर की तरफ से लोगों ने कोरोना की महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी का भी सामना किया। हालांकि जिसको बाद में कुछ हद तक कंट्रोल भी किया गया, लेकिन जिसके हालत कुछ खास सुधार नहीं आया और कुछ इसी तरह आप फंगस नाम की बीमारी ने लोगों को दहशत ज़दा कर डाला। अब तक जनपद में लगभग ब्लैक फंगस के 3 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 को बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमे की ओर से हायर सेफ्टी रेफर कर दिया गया है। वहीं तीसरे मरीज की जांच कराकर तय किया जाएगा कि उसमें ब्लैक फंगस लक्षण है या नहीं। बहरहाल हालात बड़े नाजुक है और स्वास्थ्य महकमा इन हालातों पर काबू पाने के लिए पूरी तरह जदोजहद कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव के मुताबिक रामपुर में अभी 2 केस ब्लैक फंगस के, जिनमें है एक केस मिलक क्षेत्र का था, जो कि बरेली में उसके कहाँ गया और दिखाया कि वहाँ हाई सेंटर पर, और उसके बाद वहाँ से जब लगभग यह तय हो गया है कि यह ब्लैक फंगस है, जो उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज को, जो कि सरकार की ओर से इन क्षेत्र में मेकर माइकेसिस का केंद्र बनाया गया है, वहाँ भेज दिया गया है। इसी प्रकार एक दूसरे मरीज को जो बिलासपुर क्षेत्र का था, उसको हमारे जिले चिकित्सालय में हमारे ENT स्पेशलिस्ट और हमारे IT स्पेशलिस्ट में देखा और उसको संभावित ब्लैक फंगस मानते हुए उसको भी तुरंत रेफर कर दिया मेरठ मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पर चूंकि मेकर माइकेसिस वार्ड अलग अवस्था में और है और वहाँ रेफर कर दिया जाता है। तीसरे केस में बारे में पता चला है कि, लेकिन वह अभी जिला चिकित्सालय में आकर जब तक अपनी पूरी जाँच उनकी नहीं हो जाती और हमारे ENT स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट उसको संभावित मानेंगे, बिल्कुल तभी उसको सलाह देकर और वर्तमान इलाज करा के उसको रेफर कर देंगे। एक पुरुष और एक महिला मरीज अब तक सामने आए हैं। स्पीड न्यूज 17 के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, कैमरामैन मोहम्मद इरदास, उत्तर प्रदेश रामपुर से। रामपुर में अभी 2 केसेस ब्लैक फंगस के हैं, जिसमें से 1 केस मिलक क्षेत्र का था, जो कि बरेली पहले उसने दिखाया वहाँ हायर सेंटर पे, और उसके बाद वहाँ से जो जब वो ये लगभग तय हो गया कि ये ब्लैक फंगस ही है, तो उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज, जो कि सरकार की ओर से इस क्षेत्र में सबसे अच्छा म्यूकर माइकेसिस का केंद्र बनाया गया है, वहाँ भेज दिया गया। इसी प्रकार एक दूसरा मरीज जो कि बिलासपुर क्षेत्र का था, उसको हमारे जिला चिकित्सालय में हमारे ENT स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट ने देखा और उसको लगभग संभावित ब्लैक फंगस मानते हुए उसको भी जो है तुरंत रेफर कर दिया गया मेरठ मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पर चूँकि म्यूकर माइकोसिस वार्ड है अलग और बिल्कुल व्यवस्था है, तो वहाँ यहाँ के पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है। तीसरा केस आया, वो संभावित है? तीसरे केस के विषय में पता लगा है, लेकिन वो अभी जिला चिकित्सालय में आकर जब तक अपनी पूरी जाँच उसकी नहीं हो जाती और हमारे ENT स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट उसको संभावित मानेंगे बिल्कुल, और तभी उसको सारी सलाह देकर और उस समय का वर्तमान इलाज करके और उसको रेफर कर देंगे। अरे 2 जो आए हैं ब्लैक फंगस के, इसमें दोनों महिलाएं हैं, दोनों जेंट्स हैं? नहीं, एक पुरुष है और एक महिला है।